भाजपा सरकार के पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा, उनकी पत्नी मोनिका पटवा व कंपनी के खिलाफ सीबीआई ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। सुरेंद्र पटवा पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा के भतीजे हैं। उन पर बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ करीब 29 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। इसमें पटवा दंपत्ति पर 2014 से 2017 के बीच बैंक ऑफ बड़ौदा से 29.41 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई। मामला इंदौर में एमजी रोड सिटी सेंटर में स्थित मैसर्स पटवा ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जुड़ा है, जिसके डायरेक्टर इंदौर निवासी सुरेंद्र पटवा और उनकी पत्नी मोनिका है। वहीं मामला दर्ज होने के बाद कांग्रेस ने भी पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा पर जमकर निशाना साधा है। मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने सुरेंद्र पटवा पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सब भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। सुरेंद्र पटवा का दुर्भाग्य है कि वह भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं। अगर वह किसी अन्य पार्टी में होते तो मामला सामने आने के बाद भाजपा में शामिल हो जाते और बच सकते थे, मगर वह खुद ही भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का हिस्सा है ये। अब ये तो पटवा जी का दुर्भाग्य है कि वो भारतीय जनता पार्टी में, किसी और पार्टी में होते और बीजेपी में शामिल हो जाते तो बच जाते। अब वे बीजेपी में ही है तो अब क्या कर लेंगे बेचारे, कहीं जा भी नहीं सकते। तो ये तो जो है वॉशिंग मशीन से भी बाहर है हमको बीजेपी की। अब इसमें जो कानून के हाथ हैं और कानून सम्मत जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए और हो रही है, ये अच्छी बात। अब देखना ये होगा कि अपनी ही पार्टी के विधायक का भाजपा सरकार साथ देगी या नहीं। भोपाल से मृदुभाषी के लिए मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।